बहुत प्रयास करने पर भी अगर हम चित्त नहीं करते हैं और हमें लगता है कि बहुत कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है और इसी दौरान हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा क्या? देखिए, जिसके हृदय में राज्य के लिए समर्पण है, राज्य की पहचान है कि मूल मिलावे में राज्य नूरी स्वरूप से विराजमान है और हमारी आत्मा के धाम हृदय में संबंध मूल संबंध से विराजमान है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा किसी भी स्थिति में। जो 15 मिनट भी तारतम का पाठ कर लेता है, संध्या आरती भी जो कर्मकांड है वो भी कर लेता है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो अपने कर्मों का फल है, यदि आपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उसके प्रायश्चित स्वरूप आपको शारीरिक मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा। चितवनी करते करते यदि आपका शरीर छूट जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हमें राज्य का दर्शन नहीं हुआ चलते फिरते, तो शरीर छूटने से पहले मृत्यु के समय अवश्य आपको दर्शन होगा, क्योंकि जिसने जिस भाव से राज्य को ध्यान में लिया है, संभव है उसकी सुरता ना लगी हो। और जैसा निजानंद योग में लिखा है, जो शिविरों में बताया जा रहा है, ध्यान की पुष्पांजलि में जो कुछ लिखा गया है या चितवनी की महिमा में जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसका यदि आप पालन करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2 घंटे की चितवनी करते हैं तो 2 मिनट के लिए तो झलक अवश्य आती होगी। और यही चीज अंत समय में जब आप बेहोशी की अवस्था में होंगे, शरीर छूटने का समय होगा, तो दर्शन तो अवश्य होगा, आप किसी को बताने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप परिश्रम करेंगे तो चलते फिरते जीते जी मरे हुए के समान हो जाएंगे और दूसरों को अनुभव भी बता सकते हैं कि हाँ, हमें राज्य मिले। बस ये अंतर है। राज्य की गई चितवनी कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। चितवनी करते समय आपको शर्त नहीं रखनी है कि हल्की सी झलक दिखा दीजिए। हल्की सी झलक का कोई औचित्य नहीं होता। आप अधिकार से कहिए कि राज्य नख से सिख तक पूरे श्रृंगार के साथ आइए। ये कोई संसारिक व्यापार नहीं है कि कोई सामान खरीदना है तो आप कहते हैं ना ठेले वाले से कि ये कैसा है, हम पहले एक बार चखा दो तो हम खरीदेंगे। आपको अपना हृदय यदि समर्पित कर देना है तो राजीव पूर्ण रूप से दर्शन देंगे। श्रृंगार किया सब दुल्हे बस्तर और भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रोके नयनंद। बस इतना है। जैसे मिठाई है आपके पास खरीदने के लिए की इच्छा है, 100 रुपये की मिठाई खरीदेंगे तो थोड़ा मिलेगा, 500 की खरीदेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, 1000 रुपये की खरीदेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। आप अपने को कितना सात्विक बना पाते हैं, आप अपने हृदय को कितना निर्विकार बना पाते हैं, उसके अनुसार राज्य दीदार देंगे। हाँ, यदि आपका परिश्रम थोड़ा रहेगा तो झलक मिल जाएगी। बस आप झलक से क्यों संतोष करना चाहते हैं? राज्य ऐसा नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है कि वो कभी कभी थोड़ा सा झलक दिखा देंगे फिर एक ही बार दर्शन देंगे। आपको प्रतिदिन दीदार करने का अधिकार है। यदि प्रतिदिन आप प्रेम से चितवनी करेंगे तो प्रतिदिन राज्य का दर्शन अवश्य होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और झलक तो जो 2 मिनट के लिए भी आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो आपको झलक प्रतिदिन मिला करेगी, प्रतिदिन दीदार हुआ करेगा। ऐसा मत समझिए कि जीवन में एक बार ही दीदार होता है। हाँ, जो पूर्ण दीदार होता है, जैसे हफ्से में महामती जी की आत्मा की जो अवस्था आई थी वो प्राय एक बार ही होती है, लेकिन हर पल एहसास रहता है कि जो एक बार विशेष अनुभूति हुई है वो ऐसी बनी हुई है। आत्मा इतने आनंद में रहती है कि बार बार उस अवस्था की आकांक्षा ही नहीं होती है। जैसे आप कोई बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाते हैं तो सवेरे खा लिए होते हैं तो दोपहर शाम तक उसकी मस्ती चढ़ी रहती है, वैसे ही कमी का भास नहीं होगा। एक बार भी जीवन में दीदार हो गया तो जब भी ध्यान में बैठेंगे वो वैसा ही स्वरूप हमेशा दिखता रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पल पल धनी का एहसास करने के लिए क्या करें, एक प्रश्न है।
पल पल धनी का एहसास करने के लिए, जैसे कि इन सारी चीजों के लिए आपको सात्विक होना आवश्यक है। यदि आप सात्विक नहीं होते हैं, खूब तीखी तीखी मिर्चे, लहसुन, प्याज, गरम मसाले, चाय, काफी खाते रहेंगे, तो बस इतना होगा कि आप राजसमाजी कह करके भगत जी बन जाएंगे। दुनिया कहेगी कि देखो, जब देखते हो इनके मुख पर राजसमा निकलता रहता है, ये गले के ऊपर से निकला करेगा, हृदय से नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आप अपने को पूर्ण रूप से सतोगुणी बना लेते हैं और आपके हृदय में विरह प्रेम की रसधारा बहती है, तो आप उठते बैठते सोते जागते किसी भी दूसरे को पता नहीं चल पाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। यहां सब पुरुष वर्ग बैठा है, भाई बैठे हैं, आपकी मित्रता किसी मित्र से होती है या बहनों की किसी सहेली से मित्रता होती है, उसकी तबीयत खराब हो या आपको उसकी याद आ रही हो, तो क्या किसी को पता चलता है? केवल आप ही जानते हैं। उसी तरह से आपको ये नाम भी नहीं लेंगे, सबके सामने बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बातें करने वाला सोचेगा कि हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किस पर रहता है? अपने मित्र और सहेली पर रहता है। उसी तरह से हृदय में जब प्रेम हो जाएगा तो उठते बैठते सोते जागते केवल उसी का ही ध्यान रहेगा, उसी की शोभा हृदय में बसी रहेगी। यही इसको कहते हैं भावलीनता। चित्वनी में भावलीनता का क्या महत्व है? भावलीनता लाने के लिए क्या करें? आमतौर पर सुंदर साथ क्या करता है कि पास बैठेगा तो किसी की निंदा करेगा, वह बुरा है, और अपनी विशेषताएं दर्शाएगा कि मैं अच्छा हूं, वह बुरा है। यह चीज हानिकारक है। हमें समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ क्या होता है? सम्यक ईक्षण, यथार्थ सत्य को यथार्थ कहना। कोई गलत चीज हो तो गलत कहना निष्पक्ष रूप से, और अपने अंदर भी गलती हो तो उसको भी उतने ही निष्पक्षता से कहना जैसे दूसरे से कोई गलती होती है। तो जितने तर्क ढूंढकर हम किसी को गलत साबित करते हैं, अपनी भी गलती को उतनी ही तर्कों से कहना, स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है। इसको कहते हैं समीक्षा। समाज में जो बुराइयां हैं उसकी समीक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई कहेगा कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा? समाज का पतन होगा। निष्पक्ष हृदय से परिवार में, समाज में, राष्ट्र में जो भी धर्म विरुद्ध बातें हों उसकी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए, उस पर अपना वक्तव्य अवश्य देना चाहिए। यदि सन्यासी भी मौन रहेगा तो क्या होगा? राष्ट्र का पतन हो जाएगा। लेकिन सामने प्रशंसा करना और पीठ पीछे निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप है। आपको जो भी कहना है, कोई अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उसके सामने ही शालीनता से कहिए कि ये गलत है, ये सत्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा संकट भी नहीं बोलना चाहिए कि जैसे चाणक्य ने धनानंद के सामने कह दिया कि तुम ऐसे हो, और उसने चाणक्य की हत्या की योजना बना दी। जैसे गौतम बुद्ध ने हर अधर्म का विरोध किया, शंकराचार्य ने किया, दयानंद ने किया, तो किसी भी मनुष्य को अन्याय का विरोध अवश्य करना चाहिए, लेकिन पीठ पीछे किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो उसके सामने ही कहना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अधर्म कर यदि कोई कर रहा है तो उसमें सहमति जताना अधर्म को समर्थन देना है। कभी भी सहमति नहीं जतानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भावलीनता के लिए है कि राज्य के भावों में खोए रहना। जैसे आप तम्बाकू कब खाएंगे? जब आप सोचेंगे कि मैं पुरुष हूं, मुझे तम्बाकू खाना है, तो तम्बाकू की तृष्णा आएगी। यदि आप ब्राह्मी भावों में बने रहेंगे, देखिए होता क्या है, मनुष्य अपने संकल्पों से बना होता है, संकल्पमय पुरुष। आप जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए मैंने ज्ञानपीठ के बच्चों के लिए एक संकल्प के 5 मंत्रों की रचना की है, और वो संकल्प मंत्र सबको रात्रि को दोहराना चाहिए। पहला क्या है?
मम प्राणेश मम हृदय अगच, मेरे आराध्य मेरे जीवन मेरे हृदय में आ जाइए, यह कहकर के रात को सोते हैं। अहम सत्यवादी धर्मात्मा च भवाम, अहम निर्विकारो भवाम, अहम महान विद्वान भवाम, अहम भक्तिमान भवाम, ऐसे संग शुभ संकल्प करके रात को आप सोएंगे तो क्या होगा, वही बनेंगे आप, आपके अवचेतन में वो बात दृढ़ कर जाएगी। सवेरे उठिए, राज्य का ध्यान करके इनको दोहराइए। जैसे चंद्रगुप्त के मन में चाणक्य ने भर दिया था कि तुम्हें भारत के सम्राट बनना है, तो उठते बैठते उसके मन में यही संकल्प रहता था कि मैं भारत का सम्राट बन करके रहूंगा। वो झोपड़ी में रहने वाला एक बालक है और वही संकल्प उसको भारत का सम्राट बना देता है। अंग्रेजों के समय में क्या था, गांधी जी ने कई कार्य बहुत गलत किए हैं जिसको धर्म के दृष्टि से कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अच्छा कार्य हुआ कि जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी सोच बैठे थे कि गुलाम रहना ही हमारी नियति है, और आंदोलनों के द्वारा बच्चे से लेकर बूढ़े तक जय जवान वो वंदे मातरम क्या क्या बोल रहे हैं, नारे बोल रहे हैं, कि सबके मन में संकल्प हो गया कि हमें आजाद होना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसको संकल्प में परिणित कीजिए। विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वता का संकल्प कीजिए। राज्य का दर्शन करना है तो संकल्प को दृढ़ कीजिए। जिसका संकल्प दृढ़ होता है, संसार की कोई भी शक्ति उसको वहां से झुका नहीं सकती। शुभ संकल्पों के कारण, अटल संकल्पों के कारण दयानंद महर्षि दयानंद कहलाए। यदि संकल्पवान नहीं होते तो इतना विरोध जो हुआ वो झुक जाते। एक अकेले शंकराचार्य ने बहुत मत की नास्तिकता को भारत से निकाल दिया। एक अकेले गौतम बुद्ध के शुभ संकल्पों ने, दृढ़ संकल्प ने पूरे भारत में से जो यज्ञों के नाम पर पशु बलि दी जा रही थी सबको हटा दिया। इन तीनों व्यक्तियों ने अकेले अपने बल पर पूरे भारत से विकृति को हटाया। किसके बल पर? शुभ संकल्प के विषय पर। तो जो आप समझे कि मैं परम धाम की आत्मा हूं, तो परम धाम की आत्मा का भाव लिए रहेंगे तो आपसे कोई भी बुरा कार्य नहीं हो पाएगा। ना आप झूठ बोल सकते हैं, ना दुराचार कर सकते हैं, ना किसी तरह का नशा कर सकते हैं, कोई भी बुरा कार्य नहीं होगा। बुरा कार्य कब होगा? जब आपके संकल्प अशुभ रहेंगे। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दम न छोड़े मासुक को जाके असल हक निस्बत, हमेशा राज्य के भावों में खोई रहिए, यही भावलीनता का सरल तरीका। चितवनी में विरह आए तो विरह में डूबे या चितवनी करें। ये विरह में आपकी बुद्धि काम करेगी ही नहीं। देखिए, जब एक ट्रेन गाड़ी ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर पटरी पर गाड़ी को चला देता है तो पटरी रहती है, अपने आप चलती रहती है, उसको केवल दिशा निर्देश देना होता है। चितवनी वह है जिसमें आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी। जब मैं होती विरह में तो मुख बोलियो न जाए। विरह का फल क्या है? प्रेम। दुख थे विरह उपजे विरह प्रेम, इश्क प्रेम जब आया तो नेचे मिलिया। विरह जब आ गया तो अपने आप प्रेम में आ जाएगा। जब प्रेम आएगा तो राजी का दीदार होगा। आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। यदि आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको चितवनी नहीं कहेंगे, वो तो मानसिक चिंतन हो गया। आप बैठे हैं राजी के भावों में खोए हैं, आंसू आ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? भावलीनता। वो अभी चितवनी नहीं है। चितवनी का अर्थ क्या होता है? आत्मचक्षुओं से राजी को देखना, ये तो अंतिम उपलब्धि है। चितवनी के अलग अलग भाग हैं। आप राज्य के स्वरूप में धारणा कर रहे हैं, फिर वो ध्यान में परिभाषित हो रहा है, और ध्यान का अंतिम फल क्या है? समाधि। समाधि मतलब आत्मचक्षुओं से राज्य को देखना, उसी को चितवनी कहते हैं। जब तक आप समाधि में नहीं पहुंचते हैं उसको चितवनी नहीं कहेंगे, और समाधि में बुद्धि का कोई योग नहीं होगा, मन का कोई योग नहीं होगा। इसलिए आप राज्य पर छोड़िए। जितने समय तक आपकी योग्यता रहेगी विरह में डूबने की, यो विरह का रस मिलता रहेगा, फिर प्रेम आएगा। प्रेम में भी आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और चितवनी में तो बिल्कुल ही नहीं काम करेगी। चितवनी में तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य का दर्शन ही होना। चितवनी में बैठे बैठे माया के विचार आते हैं, तब उनको
आने दें या दबाना है। देखिए, विचार उत्पन्न कहां से होते हैं? आप यदि तामसिक आहार कर लेंगे, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। आजकल तो सीडी का जमाना भी नहीं है, पेन ड्राइव का जमाना है। आज से 40 साल पहले ब्लैक पिक्चरें हुआ करती थी, तो टीवी वही है और टीवी भी ब्लैक हुआ करती थी। उसमें रंगीन टीवी उस समय नहीं चला करती थी, आज से 40 साल पहले। यदि ब्लैक पिक्चर को ब्लैक टीवी में वाले में डाल देंगे तो पिक्चर भी वैसे ही आती है। और यदि टीवी में रंगीन वाली नहीं है, अब मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, रंगीन टीवी में ब्लैक पिक्चर दाएंगे तो रंगीन तो नहीं होगी। यदि आपके तो पिक्चर के जो सीडी है या पेन ड्राइव है, वो क्या है? चित्त है। आपके चित्त में जन्म जन्मांतरों का संस्कार बसा हुआ है। जब आप तामसिक भोजन करते हैं तो पूर्व जन्मों के जो बुरे विचार हैं वे सारे उभरने लगते हैं। आप कहेंगे कि इसको मार दूं, इसको ये कर दूं, गुस्से होने लगेंगे। ये है तमोगुण के संस्कार। जब रजोगुणी के संस्कार प्रबल होंगे, जब रजोगुणी आहार होगा आपका, आपने चटपटी चटनी खा ली, मिर्च खा लिया, कुछ अचार खा लिया, गरम काफी का एक प्याला पी लिया, तो आप विवश होकर केवल यह काम करना है, यह काम करना है, यही सोचते रहेंगे। आपको एक हफ्ते का उपवास करा दिया जाए यदि, और एक हफ्ते आपको मिर्च तो चाय काफी तो क्या, नमक भी ना दिया जाए, केवल फल दिया जाए, हल्का दूध दिया जाए, केवल आपको ध्यान करने के लिए कहा जाए, कहा जाए कि आपको 12 घंटा ध्यान करना ही है, तो 2 दिन के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि आप बोलना भी चाहेंगे तो आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहेंगे कि मैं कोई काम चिंतन करूं, किसी को मारने पीटने के बाद में सोचूं, तो आपसे कोई बोलना चाहेगा तो आपको सुनने में भी कष्ट होगा, आप चाह करके भी नहीं बोल पाएंगे। यदि आप किसी को गाली देना चाहेंगे तो आपके हृदय से आवाज आएगी कि नहीं, आप चाहेंगे कि इसको चांटा मार दो तो आपको मारने की इच्छा नहीं करेगी। इसका विचारों की उत्पत्ति कहां से हो रही है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की जैसी आभा चित्त के पर पड़ेगी, चित्त मन को वैसे प्रेरित करेगा। चित्त के जैसे संस्कार होंगे, मन वैसा ही संकल्प विकल्प करेगा। जैसे किसी को मर्डर करना होता है तो क्या करते हैं अपराधी? पहले मांस खाएगा या शराब पिएगा? खूब शराब पिएगा, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, तमोगुण के संस्कार उभर गए, तभी वह किसी की हत्या कर सकता है। दूध फल खाकर या ध्यान में बैठ करके सोचेगा कि किसी को हम चाकू मार दें तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके मन में वैसे विचार ही नहीं आएंगे। विचारों की उत्पत्ति कहां से होती है? मन से। तो बाह्य है, आंतरिक रूप से विचारों के मूल में क्या है? चित्त के संस्कार। चित्त के संस्कार के को उभरने में कौन सहायता कर रहा है? बुद्धि। और बुद्धि की क्रियाशीलता किस पर है? उसने आहार कैसे ग्रहण किया है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। लेकिन इसके साथ एक अहंग जुड़ा हुआ है। जैसे योगी का अहंग है, मैं योगी हूं, तो योगी को यदि किसी तरह से धोखे से रजोगुणी संस्कार भी, रजोगुणी भोजन भी दे दिया जाए तो कुछ समय तक संभाले रखेगा। और कोई व्यक्ति जन्म से हत्यारा है तो उसको तुरंत आप 2 दिन में ही आपको उसको योगी नहीं बना सकते, वो पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर, क्योंकि उसके अंदर अहंग का संस्कार प्रबल है। ये अहंग का संस्कार उसके बुद्धि पर, उसके चित्त पर, उसके मन पर जब तक हावी रहेगा वह अपने अहंग के अनुसार कार्य करता रहेगा। लेकिन यदि उसका अहंकार सामान्य है, सामान्य प्राणी है, तो आहार के द्वारा उसकी बुद्धि को परिवर्तित किया जा सकता है और बुद्धि के सात्विक राजस तामस भाव के अनुसार उसके विचारों में परिवर्तन होता है। विचार मन होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। विचार शून्यता कैसे आ जाएगी?
ये ध्यान के द्वारा, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जब आप स्वयं की चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तो क्या होगा? जो संप्रज्ञात समाधि के चार भेद होते हैं उसमें है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञादा। संप्रज्ञात समाधि में वितर्क और विचार पहले दो आते हैं। तो विचार के दो भाग होते हैं, सविचार और निर्विचार। निर्विचार समाधि में आपके अंदर किसी तरह के विचार नहीं उठेंगे। उसके बाद आनंद का अनुभव होगा और आनंद के अंदर आपको अस्मिता का अनुभव होगा कि मैं हूं। लेकिन अभी तक जो आपको आनंद मिल रहा है वो ब्रह्म का आनंद नहीं है, सात्विक अवस्था में प्रकृति से जो आनंद मिल रहा है सत्वगुण का आनंद है। सत्वगुण में क्या होगा? ज्ञान का प्रकाश होगा, विकारों से रहितता होगी। उस समय निर्विकार हो जाने से पूर्णतया निर्विकार नहीं रहेगा, निर्विकार उसके अंदर विकार का संस्कार तो रहेगा लेकिन वो इतना दब जाता है, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल छिप जाते हैं, सत्वगुण उभर कर आता है। तो ऐसा व्यक्ति लगता है कि पूर्ण रूप से निर्विकार हो गया है। लेकिन निर्विकार कब हो गए? जैसे चना है, चने को आग में जला दीजिए, भून दीजिए, तो आप कितना भी मिट्टी में दाबिए, खाद पानी दीजिए, वो कभी भी अंकुर नहीं फूटेगा और वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति बहुत हिमालय में साधना भी कर लिया, सब कुछ भी कर लिया, बर्फों में चल रहा है तो देखने पर बाह्य रूप से रहता है यह व्यक्ति पूर्णतया निर्विकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके चित्त में जन्म जन्मांतरों के बुरे संस्कार दबे रहते हैं तो पता नहीं चलता। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में इस बात का संकेत किया है कि इंद्रियां विद्वान पुरुष को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए एकांत में विषय का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। सांख्य दर्शन में क्या कहा है? अनिष्ट करम तु स्यात् विषय चिंतनम्। जब आप अकेले में बैठेंगे, विषय का चिंतन करेंगे तो विषय हो जाने की प्रबल संभावना रहेगी। इसलिए धैर्यपूर्वक एकांत में जब बैठते हैं तो केवल परमात्मा का चिंतन कीजिए, विषय का चिंतन कदापि नहीं कीजिए। तो विचारों से परे होने के लिए एक ही चीज है, धारणा में आप निरंतर लगे रहिए। धारणा में लगते लगते जिसकी आप धारणा कर रहे हैं, जब धारणा का परिपक्व रूप है ध्यान, ध्यान में आपकी स्थिति प्रबल होती जाएगी तो जन्म जन्मांतरों के जो चित्त के विकार हैं उन जल करके राख होना शुरू होंगे। समाधि में पहुंचने के बाद जो व्यक्ति निर्विज समाधि में पहुंच जाता है, पहली बात तो क्या है, सबीज समाधि जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, संप्रज्ञात समाधि में ही पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य की अवस्था क्या है? जो रितंबरा से उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं, रितंबरा प्रज्ञा होने के बाद मनुष्य की बुद्धि केवल सत्य को ही ग्रहण करने वाली होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जो भी कहते हैं उनकी बात को माना जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि कभी भी मिथ्या तत्व को ग्रहण नहीं कर सकती। जब मनुष्य विद्या और अविद्या में भेद कर लेता है, समझ जाता है कि क्या विद्या है क्या अविद्या है, विद्या क्या है, आत्मा और अनात्मा का भेद मालूम होना, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इन सारे तत्वों को जानना अविद्या कहलाता है, ये विद्या कहलाता है। सा विद्या या विमुक्ति है, विद्या वह है जिससे मुक्ति हो जाए। आपको विद्या और अविद्या का यथार्थ बोध हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा? आप बुरे कार्य करेंगे नहीं। मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? तृष्णा के वशीभूत होने के कारण, यह मुझे सुखकारी है, तभी तो वो विषय का चिंतन करेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सारी सृष्टि फंसी हुई है, इसको वो सुख मानती है। लेकिन जो उसको यथार्थ सत्य का बोध हो जाएगा, अनित्य नित्य असुच सुच अनात्म आत्म ख्याति अविद्या, अनित्य को नित्य मान रहा है, अनात्मा को आत्मा मान रहा है, जो दुखमय है उसको सुख मान रहा है। विषय क्या है? दुखमय है।
हम विषयों को सुख मान रहे हैं, ये अविद्या है। तो जो जिसकी रितंबरा प्रज्ञा हो जाएगी वह कभी भी अविद्या को ग्रहण नहीं करेगा। तो परिणाम क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है और उसको सामने उसके सामने कोई दूसरा शराब पीता है तो उसको बुरा लगता है, तो उसको दीजिए तो वो नहीं पिएगा, क्योंकि यदि उसके संस्कार प्रबल है तो किसी भी स्थिति में वो नहीं पिएगा, किंतु धोखे से उसको पिलाया जा सकता है। और यदि अच्छा भला व्यक्ति जिसने कभी शराब न पिया हो उसके भोजन में चुपके चुपके मिला करके दिए जाए तो उसके संस्कार उभर सकते हैं, और किसी जन्म में उसने शराब पिया होगी तो हो सकता है उसकी शराब की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। यही कारण है कि नीमी ऋषि, पौराणिक कथा है कि नीम के पेड़ पर उन्होंने अपने को बांध लिया, झूला बना लिया, जब भूख लगती थी तो नीम की छाल खाते थे। इंद्र ने उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए अप्सरा भेजा, शायद रंभा होगी, उसने देखा कि उस वे नीम की छाल खाते हैं, उस पर हलवा चिपकाने लगी स्वादिष्ट। हलवा खाते खाते उनकी इच्छाएं प्रबल हो गई और बाद में उनकी तपस्या खंडित हो गई। रंभा, मेनका और उर्वशी ने दधीची की तपस्या को खंडित किया था। ये ऋषि हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, वासनाएं दब गई थी, इच्छाएं नहीं थी, लेकिन कहीं से चित्त में विकार पैदा हुआ कि ये सौंदर्य की राशि है, इसका उपभोग करना चाहिए। नेत्र इंद्रिय ने मन में कामना पैदा की और परिणाम क्या हुआ, जो समाधि के शिखर पर पहुंचना चाहते थे वे भटक गए। तो संप्रज्ञाति समाधि में वितर्क विचार में भी अवस्था आती है तो भी शांत नहीं बैठना चाहिए जब तक निर्वीज समाधि की प्राप्ति न हो। जैसे एक बीज भी, जैसे पीपल का बीज होता है, कितना छोटा होता है, मई जून की दोपहर में मिट्टी में मिला रहता है, उगता नहीं है, पानी जैसे ही बरसता है वो बीज अंकुरित हो जाता है। तो ध्यान साधना करते करते वासनाओं की इच्छा समाप्त हो जाती है, कोई भी मन में वासना लगता है कि नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार चित्त में बसे रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आते ही वे उभर जाते हैं। इसलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी, तपस्वी, महात्मा हो, गुफा में रहने वाला हो, जब तक जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, निर्विज समाधि की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा के प्रेम में डूब नहीं जाता, तब तक उसको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई हिमालय की गुफा में चला गया है तो बिल्कुल निर्विकार होकर ही आया है। निर्विकार दिखता है बाह्य रूप से, लेकिन चित्त में संस्कार होते हैं। जब चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए तो संप्रज्ञात समाधि से क्या होता है, पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। एक तो वैराग्य वह आता है जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा विवेक पूर्वक धारण करता है, एक पर वैराग्य जिसमें संसार के सुखों को पाने की ही चाहना नहीं रह जाती, समाधि में इतना निर्मल हो जाता है, उसको कहते हैं पर वैराग्य। पर वैराग्य के भी जब संस्कार दग्ध हो जाएंगे, निर्विज समाधि में लौ अग्निवत ब्रह्म की साधारणता को प्राप्त हो जाया जाता है, उसके पश्चात उसकी अवस्था, उसके चित्त की अवस्था भुने हुए चने के समान होती है, जिसमें संसार के सुख की कोई इच्छा नहीं हो सकती और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह योग का सिद्धांत है। इसलिए विचार आते हैं, आते रहेंगे, आप इससे घबराइए नहीं। हाँ, एक चीज मैं ये कहूँगा, जब आप आसनस्थ होकर के बैठेंगे, जैसे मैंने कल आसन के बारे में बताया, एक तो तरीका यह है, इस बाएं हाथ को नीचे रखिए, दाहिने हाथ को ऊपर कीजिए। इसमें एक लाभ भी है, एक हानि भी है। लाभ यह है कि इसमें ध्यान बहुत ज्यादा लगेगा, हानि यह है कि नींद भी ज्यादा आएगी। जिसको निद्रा पर नियंत्रण नहीं रहेगा, इस पर बैठने के थोड़ी देर के बाद निद्रा आ जाएगी। इसलिए इसको वही करें जिनको निद्रा पर विजय प्राप्ति हो गई हो, जो भोजन पर नियंत्रण करना जानते हैं उन्हीं के लिए ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसमें सावधानी रखनी यह होती है कि पूरा सिद्ध तने होकर के बैठना होता है, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे झुकना कर देते हैं सुंदर साथ, और भी झुक जाते हैं, पीठ भी झुक जाती है, गर्दन भी झुक जाती है। तो ये
आमतौर पर ये दोनों कंधे थोड़े से झुके हुए होते हैं, तो 2 घंटे तक तो जो करेंगे उनके लिए कोई समस्या नहीं है। जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे करेंगे और ये जो व्यायाम जो बबिता बन सिखाती है ये नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि यहाँ मांसपेशियाँ खींच सकती हैं। तो इसलिए यदि ऐसा करना है, आपको आरामदेह होता है तो ऐसा कीजिए, लेकिन कुछ आपको ये कंधे का व्यायाम करना पड़ेगा, पीठ और मेरुदंड को सीधा रखना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे कि स्वामी जी ने हमको भटका दिया। मैं पहले ही बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इस दोनों ये घुटनों पर दोनों हाथों को रखिए और ये हमेशा ऐसे रखिए, तो इसमें क्या होगा, ये कंधा आपका पूरा सीधा रहेगा, इसके झुकने की संभावना कम रहेगी। हाँ, इसमें निद्रा भी कम लगेगी और ध्यान की प्रगति भी इसकी अपेक्षा थोड़ी कम होगी, लेकिन जो होगी अस्थायित्व वाली होगी, क्योंकि इस पर आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसमें कमर के झुकने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप सीधा ये जो है ये सहारा दे रहा है, आप इसका अनुभव करेंगे। जब आपकी स्थिति ये हो जाए कि ये हाथ जब आपकी है तो ऐसा भी ना हो तो आपको ये हाथ कड़ा लगने लगेगा, तो आप घबराइए नहीं, ये बहुत अच्छी अवस्था है। जब आप शांत होकर के बैठेंगे तो आपके रक्त संचार में कमी होने लगेगी। जैसे कोई बच्चा दौड़ता है तो हाँफता है, परिणाम क्या होता है, उसकी धड़कनें बढ़ गई होती हैं। धड़कन बढ़ने का तात्पर्य रक्त संचार में तेजी हो जाती है। जैसे जैसे आपका आसन गहरा होता जाएगा, स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका रक्त संचार भी कम होता जाएगा, रक्त की गति धीमी होती जाएगी, श्वास की गति भी धीमी होती जाएगी। जैसे कोई दौड़ता है तो हाँपता भी जाता है, रक्त में प्रवाह भी तेजी से होता है। आसन सिद्ध होते ही आधे घंटे के बाद आपका इस आपके शरीर में अकड़न आनी शुरू हो जाएगी, तो आप घबरा जाते हैं कि मेरा शरीर अकड़ रहा है। घबराइए नहीं, आप आसन पर बैठने के बाद भूल जाइए आपके शरीर का क्या हो रहा है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है वो आपके शरीर के भी चलाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सुन्न हो गया, रक्त संचार कैसे जाएगा, कुछ नहीं होगा, रक्त अपना प्रवाह बना लेता है कितना भी कुछ हो। तो ये जो है विद्युत प्रवाह बहना शुरू होगा आपके शरीर में, एक आभा मंडल बन जाएगा, और उस समय यदि आप अपना हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ में वजन बहुत बढ़ गया है। जितना आपका हाथ भारी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये दर्शाता है कि रक्त का प्रवाह अब कम हो रहा है। उस अवस्था में आपके विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। सिद्धांत क्या है, मनो विलेते यत्र प्राण तत्र विलेते, यत्र प्राण विलेते मनो तत्र विलेते। प्राण की गति धीमी होती है तो रक्त संचार भी धीमा होता है, रक्त संचार धीमा होने का तात्पर्य प्राण की गति धीमी हो गई, प्राण की गति धीमी होगी तो मन की गति भी धीमी होगी। तो जो सुंदर साथ चंचल बने रहते हैं, जैसे अभी आसन पर बैठ गए तो ऐसा भी कर ले रहे हैं, ऐसा भी कर ले रहे हैं, खुजला भी रहे हैं, तो क्या होगा, उनका रक्त संचार बना रहेगा। एक अंधविश्वास चल गया है, और हमारे रजनीश महाराज तो ऐसे रहे हैं कि अमेरिका जाकर वो भगवान रजनीश कहला लगे, ओशो कहलाने लगे। ओशो का अर्थ क्या होता है, पारब्रह्म रजनीश। उनके पास बुद्धि बहुत ज्यादा थी और तर्क उतर करके हर बात को उल्टे ढंग से उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। एक उन्होंने विचारधारा चला दी, और आजकल कई योग संस्थानों में साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप हर बात को कुतर्क से समझें। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, जो तर्क प्रमाण से प्रमाणित हो जाए, जिसमें कल्पना ना हो। सूर्य पूर्व में उदय होता है, आप इसको सिद्ध करने के लिए कि नहीं पश्चिम में उदय होता है सारी ताकत लगा दीजिए, तो ये पागलपन है। योग का सिद्धांत, योग में पहले ही कह दिया गया है कि अथ योग अनुशासन, योग अनुशासन का विषय है। जो ऋषि मुनियों ने प्रारंभ में योग की प्रक्रिया दर्शाई है, आप उसके विरुद्ध में सिद्ध करने के लिए कुतर्क न रचिए। अब उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि देखो, ध्यान करने से पहले खूब नाचो कूदो, और नाचोगे कूदोगे थकोगे तो ध्यान लग जाएगा, ये उल्टी प्रक्रिया है। मैं कहता हूं इतने स्थिर होकर के बैठिए,
दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, अचलत्वम सापेक्ष। जैसे पहाड़ स्थिर है, दीवाल स्थिर है, तो उनकी अपेक्षा जैसे वृक्ष है, वृक्ष तो स्थिर है, हाँ डालियां हिल जाती हैं, उस तरह से अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है। तो आपका आसन जितना ही स्थिर होगा वैसे उतना ही रक्त संचार भी धीमा होगा, आपका मन शांत होगा। नाचने कूदने से तो थकान में सो जाते हैं, उनका उनकी धारणा भी विचारों की नहीं होती, वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो उसकी नकल करके हमारे समाज में भी परंपरा चल जाती है कि पहले नाच लो कूद लो तो थक जाओगे तो ध्यान लग जाएगा, थकने से ध्यान लग जाता। तो जितने लोग खेती में काम करते हैं शाम को आते तो सारे समाधि में बैठ जाते, वो तो थकान से समाधि लगती, समाधि नहीं लगेगी, निद्रा आती है, और निद्रा को ही समाधि समझना बहुत बड़ी भूल है। इसलिए यदि धारणा ध्यान समाधि में प्रवेश करना है, निद्रा को हटाइए, पूर्ण जागृति अवस्था में आसन को इतना सिद्ध कीजिए, आसनस्थ। पहले कल मैंने चीज बताई थी निजानेंद्रियों के तीन चरण, आसनस्थ, आसन में स्थिर हो जाइए, आपको पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जैसे अरे भाई खटखट तुम हाथ मत करो, मेरे ध्यान भंग होता है। आप ऐसे बैठे हैं तो आपके हाथ में कंपन भी नहीं होना चाहिए, ये उंगली दूसरे पर ना जाए, थोड़ी दर्द होगा सहन कीजिए, ज़्यादा नाजुक बनने से काम नहीं चलता, इसके लिए थोड़ा कठोर बनिए। माता में बनने से मैं कहूँगा आपका शरीर कोमल होता है, थोड़े समय के लिए आप कठोर बन जाइए, दर्द हो रहा है होने दीजिए, आपके शरीर को कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे आपका शरीर स्थिर होता जाएगा, आपका रक्त प्रवाह धीमा होता जाएगा, स्वाभाविक रूप से जिसने आसन को सिद्ध कर लिया प्रत्याहार अपने आप हो जाएगा, अंतर्मुखता। आसन के होने के बाद प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम के बाद क्या होता है, प्राणायामात अशुद्ध क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते। प्राणायाम में प्राण का निग्रह होता है, कल मैंने मनुस्मृति का श्लोक बताया था, देहंते ध्यामानानां धातूनां हि यथावला तथा इंद्रियाणां दोषा दयन्ते प्राणस्य निग्रहात्। प्राणों के निग्रह से मन के विकार दूर होते हैं, बुद्धि का आवरण दूर होता है, रक्त संचार ठीक होता है, ये तो भौतिक लाभ हो गए। उसी तरह से यदि आपका आसन सिद्ध हो जाता है, जैसे जैनी लोग क्या करते हैं, जैनियों में भी योगी महात्मा होते हैं, तपस्वी होते हैं विशेषकर, वो प्राणायाम नहीं करते, उनको लगता है कि श्वास रोकेंगे, श्वास की गर्मी निकलेगी तो कीटाणु मर जाएंगे, इसलिए हमें प्राणायाम नहीं करना है। तो जो प्राणायाम नहीं करते हैं वो आसनस्थ भी हो जाए, प्राणायाम सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्राणायाम से कीटाणु मरेंगे। प्राणायाम करने से होगा कि मन निर्विकारता की तरफ बढ़ने लगेगा। देखिए जो व्यक्ति विषयी होता है उसकी आंखें चंचल होती है, योगी की आंखें स्थिर होती हैं। जो मन स्थिर होगा तो नेत्र की दृष्टि भी स्थिर होती है, और जब शरीर स्थिर होगा तो रक्त संचार कम होगा, शरीर अकड़ने लगेगा। एक ही तरफ आप बैठेंगे तो आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद आपके शरीर में अकड़न प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप दो घंटे लगातार बिना हिले डुले बैठ सकते हैं तो धारणा को पार कर सकते हैं, हो सकता है आपका आहार सात्विक रहेगा तो आप ध्यान में भी पहुंच सकते हैं, अपने आप हो जाएगा। ये आसन की सिद्धि का फल है। आसन की सिद्धि के बारे में बताया गया है, तथा द्वंद्व नो अभिघाता, शीत उष्ण सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं रहता। एक व्यस्ति जब लेटता है तो उसको दो कंबल की आवश्यकता चाहिए होती है, लेकिन आप आसन में बैठे हैं तो एक कंबल पर्याप्त है। आपकी साधना प्रबल है, आपका ब्रह्मचर्य प्रबल है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। जानते हैं ऋषि दयानंद गंगोत्री से पहले धराली स्थान आता है, वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा में रहे थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, कंबल तो क्या, केवल कमर में लंगोटी भर थी। जहां बर्फ के पहाड़ दिखते हैं पूरे जाड़े भर, शून्य से 25 सेंटीग्रेड नीचे, 20 सेंटीग्रेड नीचे बर्फ
गिरती हो, तापक्रम होता है, उसमें वह योगी कमर में लंगोट लगाकर बिना किसी आसन के, कंबल भी नहीं बिछाया था, शरीर पर चद्दर भी नहीं ओढ़ा था, केवल प्राणायाम के बल पर, ब्रह्मचर्य के बल पर रहा। कैसे? वो प्राणायाम के बल से उन्होंने शरीर में उतनी उष्णता प्राप्त कर ली कि उनका शरीर उसको झेलने में समर्थ हो गया था। आप उनकी नकल मत कीजिए, क्योंकि आप उस अवस्था में नहीं है कि शरीर में इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लें। मेरे कहने का आशय क्या है? यदि आप आसनस्थ हो गए, आपका आसन सिद्ध हो गया, तो आप गर्मी के मौसम में भी बिना पंखे के आप बैठ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं एसी रहेगा तभी मैं ध्यान करूंगा, क्योंकि मुझे तो गर्मी लग रही है। जब एसी का आविष्कार नहीं था, पंखे नहीं थे, उस समय क्या साधना लोग नहीं करते थे? सब कर लेते थे। वो किसके बल पर? आसन की सिद्धि के बल पर। मैं समय थोड़ा थोड़ा है, मैं विषयों को मुख्य मुख्य बातें बताऊंगा, क्योंकि पहले भी कई शिविरों में मुख्य और सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो देखिए, प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का होता है अंतर्मुखता, अंतर्मुखी प्रवृत्ति होना। हम आंखों से संसार को देखते हैं, तो दृश्य वस्तु का, जो वस्तु देखी जाती है, हमारा मस्तिष्क उसको ग्रहण करता है, उसके अनुसार हमारे मन में विचार आते हैं। जैसे हमारे सामने कोई सुंदर साथ आता है, तो उसको देखकर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि ऐसा ऐसा है। यदि आप अपनी आंखें बंद कर लें, तो आपको क्या पता कि आपके सामने शत्रु आ रहा है, आपका कोई मित्र आ रहा है। उसी तरह से जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो क्या करते हैं? हम आंखें बंद कर लेते हैं, ताकि बाहर का संसार हमें कुछ न पता चले। संसार दो है, एक संसार तो बाहर दिख रहा है, एक संसार आपके चित्त में बसा हुआ है, जो मन के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है। चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार बसे हुए हैं, और उन संस्कारों के अनुसार बुद्धि की प्रेरणा से जो संस्कार उभर रहे हैं, उन संस्कारों के द्वारा चित्त मन के द्वारा अपना कार्य करवाता है। बुरे संस्कार उभर गए तो मन बुरे विचार सोचने लगता है, अच्छे संस्कार उभरे तो मन अच्छे संस्कार विचार सोचने लगता है, और पुनः एक दुनिया खड़ी हो जाती है। चितवनी करते समय सबकी शिकायत यही होती है, जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस की बातें याद आने लगती है, विद्यार्थी को याद आने लगता है कि मुझे ये पढ़ना है, नौकरी वाले को अलग चिंता खा जाती है कि यह समस्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके चित्त में यही संस्कार बसे होते हैं। बाहर की दुनिया समाप्त होती है तो अंदर की दुनिया प्रारंभ हो जाती है, तो इसमें धैर्य बनाए रखना होता है। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, वीरा, प्रेम, इन अस्त्रों से जो विचार पैदा होते हैं उसको समाप्त करना होता है। कैसे? ज्ञान के द्वारा आप अपने परात्म श्रृंगार का चिंतन कीजिए। आप सर्विस वाले हैं तो आपकी सर्विस में कोई समस्या आ रही है, विचार आ रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखिए। आप अपने आध्यात्मिक भाव में खोए रहिए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। धीरे धीरे जब आपका आसन सिद्ध होता है, आहार सात्विक होता है, तो रज और तम के बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, छिप जाने लगते हैं। जड़ से समाप्त कब होंगे? जब निर्विष समाधि में पहुंच जाएंगे तब, अन्यथा छिपे रहते हैं। आपको समाधि में पहुंचने के लिए त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, सत्वगुण को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन रज और तम को छोड़ने के लिए पहले सत्वगुणी होना आवश्यक है। इसलिए मैं सब सुंदर साथ को सात्विक आहार करने की प्रेरणा देता हूँ। देखिए, आप समाधि के निकट भी पहुँच गए हैं, लेकिन प्रमादवश आपने जरा सी छूट कर दी, आहार में रजोगुण की प्रवृत्ति पनपने लगी, तमोगुण की प्रवृत्ति पड़ने लगी, तो समझ लीजिए कि जितनी ऊंचाई पर आप चढ़े हैं, फिर आपसे अब आपका पतन शुरू हो गया। चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, हिमालय की गुफा में रहता हो, यदि उसने आहार में विकृति ला दी, तो ये वैसी होती है जैसे कपड़ा धोया गया हो फिर उस पर मैल जम जाना। क्योंकि आहार तामसिक होते ही
चित्त के संस्कार तामसिक उभरने शुरू होंगे। एक तरफ से वो सफाई करेगा तो दूसरी तरफ से वो कीचड़ जमता जाएगा। तो जो समाधि की गहन अवस्था में पहुंचना चाहते हैं उनके साथ यही होता है कि वे अपना आहार उस समय बहुत सूक्ष्म कर देते हैं, इतना सात्विक कर देते हैं कि जरा भी रजोगुण और तमोगुण की गंध न आए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश होते ही उसमें चित्त में चंचलता प्राप्त होती है और परिणाम यह होता है चित्त जब तक निर्मल नहीं होता है आनंद और अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। यदि वहाँ हो गई तो जो आपको पर वैराग्य की अवस्था प्राप्त हुई है, विवेक ख्याति जिसको कहते हैं, विवेक ख्यात और पर वैराग्य के संस्कारों को जब आप दग्ध कर देंगे तब आपकी निर्विज समाधि की प्राप्ति होगी, तब आप और राज्य दोनों एक स्वरूप में रहेंगे, आपके सामने से संसार का हर बंधन हट गया रहेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालता हूं। देखिए, आप राज्य की शोभा को बसाने का प्रयास कर रहे हैं, चरणों में ध्यान कर रहे हैं, मन भाग रहा है, क्योंकि योग का सिद्धांत क्या है, संकल्प नहीं बनना चाहिए, विचार विहीन होना आवश्यक है। ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यानम निर्विषयम मनः, विषय से रहित हो जाना मन है। एक अलग परिभाषा आती है, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, एकतान जो लक्ष्य है, जैसे दीपक की लौ को आप देख रहे हैं तो दीपक की लौ हिले डुले नहीं, उसी तरह से आपका मन राज्य की जिस शोभा में डूबा हुआ है उसमें लगा रह जाए, कोई विचार ना आए। इसके लिए क्या तरीका है मैं आपको एक सरल सा मार्ग बताता हूँ, उसका आधार लेंगे तो एक आसानी से ध्यान हो जाएगा। कैसे, देखिए विवेक, ये रामकृष्ण परमहंस की जीवन की घटना मैं बता देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा मंदिर में पूजा करते हैं, उनके सामने काली की स्थूल मूर्ति रखी है, तो उनके गुरु तोतापुरी जी आते हैं, कहते हैं कि यहां तुम मन को एकाग्र करो, तो उनके हृदय में तो काली माता बसी हुई है, कहां से ध्यान लगे, काली माता के बारे में सोचते हैं। जब तक सविचार की प्रवृत्ति है तब तक समाधि में प्रवेश कहां से होगा, निर्विज समाधि में तो पहुंचना बहुत दूर की बात होती है। तो तोतापुरी जी झल्ला जाते हैं, बार बार रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे तो काली माता दिखाई दे रही है। तोतापुरी जी समझ गए कि इनकी समाधि लगनी नहीं, क्योंकि इन्होंने काली की उपासना की है, तो यह चिढ़ करके यहाँ शीशा धसा देते हैं, यहाँ कि तुम यहीं पर, मैं कह रहा हूं यहाँ पर तुम ध्यान करो, धारणा करो। तो उनको जहां शीशा चुभोया होता है उन्होंने कहा कि मैं वहीं देखूंगा, परिणाम क्या होता है उस स्थान पर अपने मन को केंद्रित कर देते हैं और हृदय तो निर्मल था रामकृष्ण परमहंस का, वो वहीं समाधिस्थ हो जाते हैं। अवयव विहीन वस्तु में ही धारणा परिपक्व हो सकती है। अवयव जैसे ये हाथ है, ये गला है, ये मुख है, ये हृदय कमल है, ये कमर है, तो जब चित्त उसको देखेगा तो वैसे विचार आएंगे कि ये मुखारविंद है, ये होठ है, ये गाल है। तो योग दर्शन का सिद्धांत यह है कि यदि आपके अंदर विचार चल रहा है तो वो समाधि नहीं है, वो ध्यान नहीं है। प्रत्येक तांता ध्यान, हमारे साथ एक प्रक्रिया अलग है। योग का दर्शन कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, और हमें कहा जा रहा है देखो नैना नूर जमाल मुख मेरे महबूब का रंग तुज्जल गुलाल, चेहरे की आकृति अलग है, आंख की आकृति अलग है, विचार तो आएंगे, समाधि में कैसे पहुंचेंगे। इसलिए राज्य की कृपा दृष्टि से मैंने एक सरल तरीका निकाला है, और जो भी टीका हुई है टीका में इस प्रवृत्ति को मैं लिखते गया हूँ, निजानंद योग में भी लिखा है। आप राज्य के मुखारविंद को देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये गाल है, तो गाल में एक सूक्ष्म बिंदु एक का भाव लीजिए, अपने मन को उस बिंदु पर केंद्रित कीजिए, आपको भावलीनता में आभास हो रहा है कि राज्य का मुखारविंद ऐसा है,
उस बिंदु पर अपने मन को केंद्रित कीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा, आपका मन उस बिंदु में बसेगा, फिर थोड़ी देर के लिए उस, क्योंकि केवल बिंदु में रहेंगे तो आपको योग दर्शन वाली समाधि प्राप्त हो जाएगी। आपको दोनों के बीच में चलना है कि प्रेम भी पैदा होता रहे और मन भी एकाग्र होता रहे। तो क्या होगा, एक मिनट आधे मिनट तक बिंदु में, क्योंकि उसी जैसे एक सौंदर्य का सागर है, सौंदर्य के सागर में जैसे एक लहर को देखा जाता है, वैसे मुखार बिंद क्या है, सौंदर्य का एक सागर है, उसमें एक बिंदु पर अपने मन को केंद्रित कीजिए, तो परिणाम क्या होगा, उसमें आपकी चित्त की वृत्ति बद जाएगी, फिर वो धीरे धीरे गहराई डूबती जाएगी, एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि मुखार बिंद का वास्तविक स्वरूप आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाएगा। आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, केवल बिंदु का आधार लेकर भी वो तो निराकार की पद्धति हो जाएगी, और केवल मुख का आधार लेंगे तो साकार की पद्धति हो जाती है, क्योंकि आपने राज्य के नूरी स्वरूप को तो नहीं देखा है। इसलिए समाधि की प्राप्ति तब तक नहीं होगी यदि आप हाथ में पैर में घूमते रहेंगे तो चौपाइयां कुछ याद आ जाएंगे कि वाणी में ऐसा लिखा है, तो जब बुद्धि दौड़ने लगी तो ध्यान नहीं हुआ, वो समाधि नहीं हुई। ध्यान और समाधि की प्राप्ति कब होगी, राज्य के वीरा प्रेम में, वाणी की चौपाइयों में एक है, पी नेत्र नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। पी नेत्र नेत्र मिलाइए, क्यों ऐसा कहा गया कि आप राज्य के नेत्रों की तरफ देखेंगे तो आपके हृदय में प्रेम आएगा, जो उपजे आनंद घन तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जीव। एक रस होने का तात्पर्य क्या है, आप राज्य के भाव में डूबकर राज्य के समकक्ष हो गए, जो समकक्ष होता है उसी के नेत्रों में नेत्र मिलाया जाता है, सेवक स्वामी से कभी नेत्र नहीं मिला पाता तो वाणी की चौपाइयों में उन्हीं की तरफ संकेत किया गया है कि एक रस होइए इश्क सो चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जीव। जब प्रेम के पूर बहेंगे तो उसमें मन में कोई बुद्धि नहीं काम करेगी। आपको कैसे, मैं आपको बताता हूं, इस संसार में किसी का भाई बहन का स्नेह हो, मित्र मित्र का हो, पति पत्नी का हो, कई वर्षों से, मान लीजिए कि 10-12 वर्षों के बाद कभी भेंट हो तो क्या होगा, पहली नजर में क्या होगा, क्या वे गले मिलेंगे, नहीं, कुछ हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, कि नजर मिलेगी उस समय दोनों के शब्द बंद हो जाएंगे, दोनों की बुद्धि काम नहीं करेगी। ये गहन प्रेम की आवश्यकता है, आपको उसी अवस्था में चलना है, जैसे जैसे राज्य की शोभा को आप एक तरफ हृदय में आत्मसात भी कर रहे हैं तो उसे क्या होगा, भावलीनता बढ़ रही है, दूसरी तरफ मन को निर्विचार करने के लिए आप बिंदु का सहारा ले रहे हैं तो मन उसमें डूबना प्रारंभ कर रहा है, जब डूबेगा तो शरीर से परे होते जाएंगे, परात्म का भाव बनता जाएगा, और सौंदर्य के सागर में डूबते डूबते उस सौंदर्य की राशि अवयव विहीनता का निर्माण करेगी। जैसे आपने मुखारविंद की शोभा को लिया या चरण कमलों की शोभा को लिया, उसमें बिंदु के लेंगे तो चेहरे की आकृति समाप्त हो जाएगी, चरणों की आकृति समाप्त हो जाएगी, केवल उसका सौंदर्य दिख रहा है, और सौंदर्य से एक बिंदु में प्रवेश करेंगे, फिर और सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, समाधि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी, और लक्ष्य आपने लिया था मुखारविंद का, मुखारविंद वास्तविक रूप में झलकने लगेगा, केवल आपको प्रेम की जरूरत है। इसलिए ये मार्ग सरल और अति सुगम है। समाधि के लिए मैं एक बहुत ही सरल मार्ग बता रहा हूं, योग दर्शन में सूत्र रूप में है, लेकिन उस पर विस्तार से किसी विद्वान ने प्रकाश नहीं डाला है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है निद्रा आलंबनम वा, निद्रा का आलंबन करके। देखिए, मनुष्य को नींद आती है किस कारण से, तमोगुण के कारण। समाधि अवस्था की प्राप्ति कब होती है, जब सत्व रज तम तीनों से परे हो जाएंगे तब। तो यदि आप में तमोगुण है तो निद्रा आएगी, रजोगुण है तो कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, सत्वगुण है तो ज्ञान
की प्रवृत्ति रहती है। जैसे सर्प काटता है तो सर्प की औषधि क्या है? एलोपैथ में सर्प के ही बीज औषधि के रूप में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और होम्योपैथ में उसकी थोड़ी मात्रा दी जाती है। सर्प का विष ही सर्प के विष को दूर करता है। सारा संसार निद्रा से नींद से प्रकट हुआ है और निद्रा में ही जीवन जी रहा है, तो उसी नींद को हथियार बना लेना है आपको। निद्रा में क्या प्रवृत्ति होती है, नींद कब आती है आपको? पहले तो आपका शरीर स्थिर होगा, आप करवट बदल रहे हैं। आजकल तो खटमल का जमाना नहीं है, पहले पलंग में खटमल हुआ करते थे, मुझे बचपन की बातें याद हैं। आजकल तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पलंग पर सोता ही नहीं। हाँ, जो सोते होंगे हो सकता है आज खटमल होते होंगे तो उनको काटते होंगे, मच्छर तो घर घर हैं। यदि आप ऐसे मकान में सो गए जिसमें मच्छर काट रहे हैं तो क्या आपको नींद आएगी? कभी दाएं करवट सोएंगे, कभी बाएं करवट सोएंगे, निद्रा नहीं आएगी। दूसरे, आपको बहुत चिंता हो जाए तो ऐसी कक्ष भी होगा आपका, मच्छरदानी भी लगे होंगे, मच्छर भी नहीं काटेंगे, खटमल भी नहीं काटेंगे, आप विचारों में डूबे रहेंगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। निद्रा आने के लिए क्या जरूरी है, निद्रा कब आती है? यदि आप खड़े हैं तो निद्रा कम आएगी, लेट जाते हैं, सिरहाना ज्यादा ऊंचा करते हैं तो कम आती है, और सिरहाना उचित मात्रा में करते हैं, उचित उसका जो लेवल है बराबर रखते हैं, पतला तकिया रखते हैं तो गहरी निद्रा आती है। ये मैं निद्रा के लक्षण बताता हूँ। जब निद्रा आती है तो स्वयं को भूल जाते हैं। समाधि में भी यही तीन चीजें काम करनी है। आपका आसन सिद्ध हो गया तो जैसे आप बिस्तर पर सोते हैं वैसे ही सुख आपको आसन सिद्धि से मिल जाता है। तो मैं इसलिए कल ज्यादा जोर दिया आसन को सिद्ध करने के ऊपर कि जो सुंदर साथ अपने आसन को सिद्ध करेंगे कि हिले डुले नहीं। अभी तो बैठते हैं तो कोई कमर दर्द की शिकायत करता है, कोई घुटनों की शिकायत करता है, कोई कहीं की शिकायत करता है। तो जिन सुंदर साथ के मसल्स कठोर हैं, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत कठोर होती हैं, उनका आसन जमना कठिन होता है, वे अपने शरीर में पैरों में तेल की मालिश करें, नारियल के तेल की, ताकि मसल्स कोमल हो जाए। त्रिफला का सेवन करें और नमक की मात्रा, ये आयोडाइड नमक की मात्रा बिल्कुल ही समाप्त कर दें। सेंधा नमक का सेवन करेंगे तो क्या होगा, आप में मांसपेशियों में कोमलता बनेगी। नमक जो है कठोरता ला देता है। मैंने दिल्ली में द्वारिका में जो मकान बने हैं जाकर के देखा है, कि वहां का पानी नमकीन है, तो सुंदर साथ के घरों में जो पाइप लाइन गई है वो लोहे की पाइप में जंग इतना लग गया कि सारा पाइप गल गया है। तो जो सुंदर साथ प्रतिदिन, जैसे मान लीजिए कि आप इतना नमक खाते हैं मटर के बराबर, तो खाते ही होंगे, तो साल में 365 मटर के बराबर आपने नमक खा लिया, इतना नमक हो गया। 10 साल में उसकी मात्रा कितनी जाएगी, आपने इतना नमक खा लिया। आपकी उम्र 50 साल की है तो आपने इतना नमक तो अपने अंदर डाल लिया। आप तो कहते हैं कि हम इतना खाते हैं, चाय के लिए कहेंगे कि 2 कप तो पीते हैं, 2 कप चाय पीते हैं, तो एक साल में आप 700 कप चाय पी जाते हैं। प्रतिदिन एक मिर्च खाते हैं तो 365 मिर्च खा जाते हैं आप। तो उसका रस आप जोड़िए, उसका मन पर डाला जाएगा तो कितना असर पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? यही कारण है कि किसी का ध्यान नहीं लगता। आप तो थोड़ी मात्रा में लेकर के अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन चित्त के अंदर तो उसका संस्कार एकत्रित होता है। सुंदर साथ एक हफ्ते ध्यान करेंगे, कहेंगे कि मन नहीं लग रहा है, झूठ है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये तो सोचिए कि लाखों जन्मों से आपका जीव क्या करता आ रहा है। कभी आपने पूर्व जन्मों पर ध्यान दिया कि कितने जन्मों में आपने राजसी भोजन किया होगा, मांस भी खाया होगा, शराब भी पिया होगा, विषय भोग किया होगा, उसको एक हफ्ते की, एक महीने की चितवनी में आप चाहते हैं कि साक्षात में परमहंस बन जाऊं, कैसे संभव है? इसलिए
जो मैं सरल से सरल तरीका बता रहा हूँ, जैसे सोते हैं वैसे समाधि में प्रवेश कर जाइए, इससे अधिक सरल कुछ नहीं होगा। इसके 3 सूत्र हैं, जैसे मैंने अभी बताया, सोते समय आप शरीर को स्थिर कर लेते हैं। जब थके मादे होते हैं तो क्या करवट नहीं बदलते, बिस्तर पर गए जिधर लुढ़के तो लुढ़के ही रह जाते हैं, क्योंकि थकान बनी होती है, शरीर हिलता डुलता नहीं, आप सो जाते हैं। तो उसी तरह से जब बैठ गए तो आप भूल जाइए कि आपके कमरे के बाहर क्या हो रहा है, शरीर हिले डुले नहीं निद्रा की तरह। और जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा तो जैसे कोमल गद्दे पर बैठने लेटने का सुख होता है, वही सुख आपको बैठने मात्र से मिलेगा। मैंने कल भी आपको सचेत किया कि जितनी देर बनता है उतनी देर बैठिए, उसके पीछे मत कीजिए कि थोड़ा देर बैठ लिया फिर खुजला लिया फिर ऐसे भी कर लिया। अब देखिए कितने सुंदर से बैठे हैं, तो कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। आप 1 घंटे शांति से बैठ नहीं सकते। देखिए अपने सुंदर साथ की बहनें बहुत सीमा से अधिक कोमल समझती हैं अपने को। जर्मन की एक बहन थी, बहना वाले महाराज जी के आश्रम में आती थी शिक्षा लेने के लिए। कुछ वर्ष पहले मैंने देखा था, अब तो वयोवृद्ध हो गई। जिस समय मैं रतनपुरी में था, बहना वाले महाराज जी ने बुलाया था मुझे एकांत में मिलने के लिए, तो उस समय वो बिल्कुल युवा थी। 4 बजे आसन करती थी और जानते हैं एक बार के बैठे हुए 7 घंटे लगातार बैठती थी। हमारे समाज में कोई भी बन नहीं है जो लगातार 7 घंटे बैठे, और वो भी तो महिला थी, जर्मन की महिला थी, रुई की तरह सफेद चमड़ी है, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया था, सादे वस्त्र पहनती थी, ध्यान में लग गई तो लग गई। वो 7 घंटे बैठती है, आप तो 2 घंटे के लिए प्रैक्टिस कीजिए। 2 घंटे में कष्ट होता है थोड़ी देर के लिए, तो उसकी चिंता न कीजिए, आपके कोमल शरीर को कुछ क्षति नहीं होगी, बल्कि ध्यान में बैठेंगे तो आपके आभा मंडल में और वृद्धि होगी, आपका चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर हो जाएगा। इसलिए जब आप बैठ गए तो समझिए कि मैं बिस्तर पर लेटा हूं, और मन में संकल्प विकल्पों का अभाव हो जाता है। जैसे अब बिस्तर पर सोते हैं तो एक विचार लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं, अभी सोने का समय है। उसी तरह से जब ध्यान में बैठिए तो सारे चिंता फिक्र छोड़ दीजिए। जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा का आप ध्यान कर रहे हैं, उसी की इच्छा मात्र से ब्रह्मांड चल रहा है, तो आपके बिजनेस में क्या समस्या आ रही है, सर्विस में क्या समस्या आ रही है, घर में क्या समस्या आ रही है, 1-2 घंटों के लिए सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। समस्या का हल तो उन्हीं को करना है। आप व्यर्थ में मेरी कर दुनी जाते बोझ ब्रह्मांड सिर ले में क्यों आप टेंशन में आ रहे हैं। जब तक समाधि में बैठना है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए, मन को सात्विक बनाइए। यदि किसी कारण से मन चंचल है तो थोड़ी देर के लिए जल का प्रयोग कर लीजिए। परिणाम क्या होगा, आपके मन में विचार नहीं आएंगे। जो धारणा की मनी प्रक्रिया बनाई है कि चेहरे पर का ध्यान कीजिए, चरणों का ध्यान कीजिए, किसी भी शरीर के अंग, हाथ हथेली का, हृदय कमल का, तो उसमें एक सूक्ष्म बिंदु का आधार लीजिए, मन को वहाँ रोकिए। और कैसे रोकना है, अब आपके सामने एक और समस्या आती है कि हमारा तो ये शरीर दिखता है, उसको देखे कैसे। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखा होगा, कंप्यूटर चलाने वाला उसको छोटा सा होता है, उसको क्या कहते हैं, माउस को यहाँ दबाता है और एक तीर की तरह स्क्रीन पर चलने लगता है। उसी तरह से आप समझिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। आपका तन 50 साल का है, 60 साल का है, या कैसा भी हो, स्त्री का हो पुरुष हो, सब भुला दीजिए कि न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ न 60 साल का हूँ, मैं हूँ बहु श्यामा जी हूँ, अक्षरातीत के अर्धांगनी रूपा हूँ। उस स्वरूप में अपने को देखिए और राज्य की तरह प्रेम की दृष्टि से ऐसा कीजिए कि आप जैसे माउस को दबाने के बाद वो बिंदु चलता है, आप राज्य के एक एक अंग की शोभा में डूबते जाइए। आप राज्य के होठ को भी देखिए तो वहाँ रुकिए, एक बिंदु को लेकर के उस होठ में डूबने का प्रयास कीजिए। नेत्रों की तरफ देखते हैं तो केवल बाहरी भाग को नहीं तो तुरंत मन में विचार आ जाएगा कि वाणी में तो ऐसा लिखा है। जब चौपाइयाँ आ गई या राजसमा आने लगे तो आपकी चितवनी भंग। चितवनी का अर्थ है कि प्रत्यक्ष देखना। जैसे निद्रा आती है
तो आप ज्ञान की बातें नहीं सुनते, वो तो स्वप्न हो जाता है। यदि जिस तरह से स्वप्न होता है तो उसको निद्रा भी नहीं कहते, जागृति भी नहीं कहते। वैसे राज्य की धारणा करते समय कुछ राज्य से भी संबंधित कोई बात आती है तो स्वप्न के समान है, समाधि तक वो नहीं पहुंचने देगी। इसलिए गहरी निद्रा में जैसे लाने के लिए शरीर से रहित होना पड़ता है, विचारों से रहित होना पड़ता है। चित्वनी का भी वही सिद्धांत है, जिस क्षण आपका आसन सिद्ध होगा, आपका मन इतना शांत हो जाएगा, कृत संचार अपने आप कम होने लगेगा, तो मन के विचार शांत होते जाएंगे और सरलता से आप समाधि में प्रवेश कर लेंगे। यह सबसे सरल तरीका है निद्रा का आलंबन लेना, निद्रा के सिद्धांत का आलंबन लेना। ऐसा नहीं कि सो गए तो आप समाधि लग जाएगी। कई लोग कहते हैं कि अरे बैठ कर करने की क्या जरूरत है, हम तो लेटे लेटे चितवनी कर लेते हैं। लेटे लेटे चितवनी नहीं हो सकती, आधे घंटे होगी, आधे घंटे के बाद निद्रा आ जाएगी। आप कितना भी सात्विक आहार करेंगे, क्योंकि आपका ये जो है झुका होगा, इसलिए यदि आप बैठ गए तो आपको निद्रा भी नहीं आएगी। आसन सिद्ध है तो लेटने के समान आपको सुख भी में रहेगा, आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा। पीठ सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, और राज्य के एक एक अंग की शोभा में जो मैंने बताया माउस का सिद्धांत लेकर के, कभी बिंदु का आधार लीजिए एक मिनट के लिए, और जब ज़्यादा डूब जाइए तो दो मिनट का आधार लीजिए, तीन मिनट का आधार लीजिए, डूबिए, फिर एक झलक सौंदर्य की आभा का ले लीजिए कि हाँ मुखारविंद ऐसा है, फिर उसमें डूब जाइए। ऐसा अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वास्तविक स्वरूप आपको झलकने लगेगा, क्योंकि उस समय आप विचारों से परे हो जाएंगे। जब विचारों से परे हो जाएंगे, किसी तरह का तर्क वितर्क नहीं रहेगा, तो बुद्धि भी कार्य नहीं करेगी, मन भी कार्य नहीं करेगा, और उस समय आप सीधे समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि आप जैसे राजयोगी किसकी धारणा करते हैं, दीपक की ज्योति का करेंगे, कोई समुद्र की लहरों का करता है, कोई सूर्य का ध्यान करता है, कोई चंद्रमा का ध्यान करता है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। कोई वेद मंत्रों का चिंतन करने लगता है, ये भी तो बुद्धि का खेल हो गया। यदि आप वेद मंत्र का चिंतन करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो वेदार्थ मालूम हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए विचारों की शून्यता जरूरी है। इसी को कहते हैं ध्यानम निर्विष्यम मना। जो लक्ष्य है केवल वह दिखता रहे, उसके अतिरिक्त मन में किसी तरह का विचार न आए, उसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान का परिपक्व रूप है क्या है, समाधि है। एक चीज और, सभी से भूल होती है, ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं है जिससे भूल ना होती हो। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। योग किसका सिद्ध होता है, युक्त आहार विहार जिसका हो। राजकुमार सिद्धार्थ 6 वर्ष तक वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और जानते हैं हम सुंदर साथ को तो कितना राज्य ने फूलों की सज्जा पर रखा है शायद हम नहीं जानते। राजकुमार सिद्धार्थ, मैंने कई बार चर्चा में वर्णन किया है, सुख में पले हैं लेकिन भिक्षा मांगनी पड़ रही है, भिक्षा में जो कुछ मिलता है वही ग्रहण करते हैं, साधना को कठोर करने की भावना से वे प्रतिदिन अन्न का एक दाना खाते हैं। देखिए मैं छोटे बड़े की भावना से नहीं कह रहा हूँ, केवल तुलना कर रहा हूँ। श्री मीराज पैसे भर अन्न खाते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध तो अन्न का एक दाना खाते हैं। परिणाम क्या हो गया, श्री मीराज तो चल फिर भी लेते थे, राजकुमार सिद्धार्थ को चलने की शक्ति नहीं रह गई थी, ये पेट हड्डियों में चिपक गया था, सिर के बाल सारे उड़ चुके थे, लगता था कि केवल हड्डियों का ढांचा है। आप सोचिए उस व्यक्ति के अंदर कितनी तड़प रही होगी कि मैं वह ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लूं, जिसमें मुझे पुनर्जन्म न लेना पड़े, दुख के संसार को न देखना पड़े। हम सुंदर साथ को तो प्रातःकाल जलपान, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, फिर दूध, क्या हम कितने खाते पीते हैं। इतना होने के बावजूद भी हमारा समाज चितवनी की तरफ नहीं चल रहा है,
तो मैं बता रहा हूँ, राजकुमार सिद्धार्थ को भी आभास हो गया, क्योंकि निरंजना नदी में स्नान करने के लिए गए होते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, चला नहीं जाता, ऐसा लगा कि प्राण निकल जाएंगे। अंत में सुजाता की खीर मिलती है उनको। सुजाता वृक्ष देवता पर खीर चढ़ाने के लिए आई होती है, देखती है कि ये बेहोश हैं, तो उनके मुंह में डाल देती है खीर के कुछ अंश, क्योंकि उनके पास तो खाने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। उसी खीर से उनके प्राण बचते हैं और तब उन्होंने पूरी खीर खाई। उनके मन में एक भावना आ गई, क्योंकि वो गीत सुना था कि वीणा के तारों को जोर से न खींचो, नहीं तो वे नहीं बचेंगे। अब वीणा के तारों को ढीला न करो, नहीं तो वे नहीं बचेंगे। वीणा के तारों को जोर से न खींचो, नहीं तो वे टूट जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अति वर्जित है। इसी को योगेश्वर श्री कृष्ण ने दर्शाया, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा। आहार भी न बहुत अधिक हो न बिल्कुल कम। बहुत अधिक आहार करेंगे तो क्या होगा, शरीर में निद्रा आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, मनोविकार पैदा होंगे। सात्विक भोजन भी मात्रा से अधिक होगा तो वो रजोगुणी हो जाएगा। रजोगुणी आहार भी मात्रा से अधिक हो जाएगा तो तामसिक हो जाएगा। तामसिक आहार थोड़ा भी हो तो मन में विकार पैदा करेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में कितनी भी भूख लगी हो, मात्रा से अधिक सेवन करना योगी के लिए घातक होता है। आप देखेंगे ना, जो मठों में रहते हैं, बड़े बड़े आश्रमों में, उनके पेट निकले होते हैं, न उन्हें ध्यान करना होता है, न अध्ययन करने होता है। हमारे देश का पतन क्यों हुआ? केवल इसी कारण से तो हुआ। केवल खाना है, पीना है, सोना है, चाय पीनी है। आश्रमों में आजकल बहुत चाय चलती है। एक क्या उनकी जिंदगी है? एक मठाधीश की जिंदगी एक राजा की तरह होती है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दुखद है, ये संन्यास जीवन में वर्जित है। यदि यही सब सुख लेना था तो भी गृहस्थी में रहना चाहिए थे, क्या जरूरत थी? लेकिन क्या होता है, ये ध्यान की प्रवृत्ति बंद होने से ये पूरा देश भोग विलास में डूब गया। जिनसे धर्म का उपदेश मिलना चाहिए था, वो राजाओं की सुख सुविधा जैसी चीजें खोजने लगे। तो होना ही है, रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो फिर बाकी क्या रह गया। तो मैं वही कह रहा था कि चितवनी में डूबने वाले को आहार पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मात्रा का आहार हो और विहार, युक्त आहार विहार। यदि आप सोचते हैं कि मैं सो नहीं, केवल ध्यान में ही डूबा रहा हूं, तो ये उचित नहीं है। जो बहुत सोता है उसका भी ध्यान सिद्ध नहीं होता, जो बहुत जागता है उसका भी ध्यान सिद्ध नहीं होता, जो बहुत खाता है उसका भी ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता, और जो बिल्कुल नहीं खाएगा तो क्या होगा? राजकुमार सिद्धार्थ का क्या हुआ था? भोजन न देने से जो हमारी जठराग्नि है, जैसे आप केवल सलाद खाइए तो क्या होगा, आपके शरीर में जो जठराग्नि है सलाद को पकाती है। जैसे लकड़ी की आग जलाते हैं या गैस की आग जलाते हैं, तो वो कच्ची चीजें पक जाती हैं। आपके पेट में भी वही जठराग्नि है जो भोजन को पचाती है। आप भोजन कुछ डालेंगे नहीं तो वह क्या करेगी, शरीर के ही मांस को खाने लगती है। धीरे धीरे मान लें कि एक समय ऐसा आएगा, सारे मांस को खा लिया, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। पानी नहीं पिएंगे तो मस्तिष्क में गर्मी बढ़ेगी, तो इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ खूब प्राणायाम करते थे, अन्न का एक एक दाना प्रतिदिन खाते थे, लेकिन हो रहा था क्या, उल्टा। उनका ध्यान नहीं लग पा रहा था, शरीर तो सुख रहा था, स्थिति ऐसी बन गई कि प्राण निकलने की स्थिति हो गई। तो इसलिए गीता का निर्देश सबको याद रखना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य। इतना भोजन न कीजिए कि आलस्य आ जाए। जैसे योगी का आहार बहुत सूक्ष्म होता है, जो गहन ध्यान की अवस्था में होते हैं उनके लिए 8 कौर पर्याप्त होता है। तो 8 कौर आप मत करना शुरू कर दीजिएगा, कहिएगा कि राजन स्वामी ने कहा 8 कौर। अरे 8 कौर उसको मैं लिए कह रहा हूं जो 18 घंटे बैठता है ध्यान समाधि में, उसके लिए 8 कौर का विधान है, आपके लिए नहीं।
आपको तो पढ़ना है, काम करना है, तो आप खाइए, लेकिन पौन पेट खाइए। जो जिसकी जैसी अवस्था है उसके लिए अलग अलग नियम होते हैं, एक ही नियम सब पर लागू नहीं होता है। तो जो ध्यान समाधि में पहुंचना चाहते हैं उनके लिए उचित आहार विहार, बहुत सोएंगे तो तामस बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं सोएंगे तो उससे भी मस्तिष्क में गर्मी हो जाती है। देखिए, जब व्यक्ति पूरी तरह से सो लेता है तो थकी हुई इंद्रियां आराम को प्राप्त करके पुनः सचेष्ट हो जाती है। आप पूरे दिन भर काम किए और सोचते हैं कि मैं भी रात पूरी रात जगा रह जाऊं, आपको अभ्यास नहीं है तो क्या होगा, सिर में गर्मी चढ़ जाएगी और मन चंचलता को प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति बनानी चाहिए कि मन पूरी तरह से शांत हो जाए जिस लक्ष्य में लगा रहे हैं। यदि आप सुई की नोक पर मन को एकाग्र कर दे रहे हैं तो समझिए अब आप समाधि के योग्य हो गए हैं। आप केवल बैठे हैं दिखाने के लिए कि मैं 8 घंटा बैठता हूं, लगातार 10 घंटा बैठता हूं, आप हिल डुल रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, तो इस तरह की साधना से कोई भी लाभ नहीं निकलेगा। आप 50 साल करते रहिए, कुछ लाभ नहीं होगा। आप 2 घंटे कीजिए, लेकिन बढ़िया से कीजिए। 2 घंटे में ऐसा हो जाए कि आपका हाथ पैर हिले नहीं, आप जिस लक्ष्य पर केंद्रित कर रहे हैं उस पर केंद्रित हो जाइए। आप भोजन की मात्रा को सूक्ष्म करके कीजिए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था संभवतः, कि प्राचीन काल में परंपरा क्या थी कि भिक्षा मानकर योगी महात्मा भोजन करते थे, तो 10 बजे के लगभग भोजन कर लिए, उनकी साधना अधिकतर रात्रि को होती थी तो पेट खाली रहता था, आराम से कर लेते थे। यदि 4 रोटी मिल गई तो 24 घंटा में 4 रोटी पर्याप्त है। लेकिन यदि आप किसी एकांत स्थान में रहते हैं और आपकी अपनी व्यवस्था है, किसी से मांगना नहीं है, तो आप 4 रोटी एक बार खाने की जगह दो दो रोटी करके 2 बार खाइए, क्योंकि आहार की मात्रा जितनी कम होगी आपके अंदर तामस की उत्पत्ति कम होगी। रात्रि को आप का आहार जितना सूक्ष्म होगा उतना ही आपकी साधना के लिए उपयुक्त होगा। इसलिए अमूमन योगी महात्मा रात्रि का भोजन नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में। लेकिन कईयों को दुग्ध नहीं पचता, कईयों को दुग्ध रात्रि को हानिकारक होता है। तो अपने अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रवृत्ति होती है, कौन सा भोजन किसके लिए कल्याणकारी है उम्र के अनुसार भी निर्भर करता है। जिसकी उम्र अधिक हो जाती है उसमें कफ की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, आप युवावस्था में होते हैं तो पित्त की प्रवृत्ति अधिक होती है, आप यदि 60 से ऊपर हो जाते हैं तो कफ की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तो युवावस्था में आप 0.5 लीटर दूध पी सकते हैं, 1 लीटर दूध पी सकते हैं, लेकिन यदि वृद्धावस्था में आप दूध पिएंगे तो हो सकता है वही दूध कफ बना दे, आपको शरीर में रोग पैदा कर सकता है, वात कुपित कर सकता है। तो ऐसा भोजन कीजिए जिससे कफ भी न बढ़े और वात भी न बढ़े, क्योंकि कफ और वात बढ़ेंगे तो आपके साधना में व्यवधान होगा। युक्त आहार विहार से युक्त कर्मस्य चेष्टा, कर्म चेष्टा। जो ध्यान करते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल ध्यान ही करना है, वो हाथ पैर भी नहीं हिलाना चाहते। तो यदि सभी लोग वैसा ही करें तो क्या होगा, जैसे अभी शिविर लगा है, कोई भोजन ही नहीं बनाए तो खाएंगे कैसे। इसलिए कर्म चेष्टा भी होनी आवश्यक है। कुछ आसन कीजिए, कुछ न कुछ शरीर से शारीरिक परिश्रम होना चाहिए, अन्यथा आपका शरीर भी रोगी हो जाएगा। यदि केवल आप ध्यान ही करते हैं, कुछ व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ चलेंगे फिरेंगे नहीं, तो भी आपका शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए हमेशा सम्यक आहार, सम्यक विहार, उचित आहार उचित विहार, न कम हो न अधिक हो। केवल सोना भी हानिकारक है, और केवल मैं एक बार संन्यास जीवन के प्रारंभ में चित्रकूट के जंगलों में गया, एक महात्मा ले गए कि आप चलिए हम आपको व्यवस्था कर देते हैं। वहाँ बाघ आता था, शाम को हम जब गए तो बाघ गरजने लगा हमसे 20 कदम की दूरी पर। तो एक इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कारतूस दागा तो बाघ तो भग गया। तो उस आश्रम में मैं 4-5 दिन रहा, तो वहाँ क्या था
वहाँ का सिद्धांत था कर्मयोग। उन्होंने कहा कि देखिए हम कर्मयोग पर चलते हैं, आपको भी कर्मयोग करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि क्या करना पड़ेगा, तो वो सज्जन हमको ईंट ढोने के लिए ले गए कि ट्राली है उस पर से ईंटें लादनी है। मैं तो परेशान कि भाई मैं आया था साधना के लिए और दिन में कई कई ट्राली पर यही लादना है, तो ये तो गृहस्थी से भी बदतर। और वो सज्जन दिन भर पत्थरों को कूटते रहते थे और जंगल के अंदर आश्रम बनाते जा रहे थे, कह रहे कि यही गीता का कर्मयोग है। मैं उनको क्या समझाऊं कि गीता के कर्मयोग को आपने समझा ही नहीं है, ये काम तो भाई गृहस्थी का है। इतने घनघोर जंगल में जहाँ आप आश्रम बनाए वहाँ बाघ आता है, आप ध्यान तो कुछ करते हैं नहीं, केवल पत्थर ढोल तोड़ना और पत्थर लादना मेरे से भी लदवा रहे हो। तो मैंने तो कहा कि मैं तो इसके लिए घर द्वार छोड़ा नहीं, मैं तो जिस लक्ष्य के लिए छोड़ा हूँ मैं वो करूँगा। कहने का असर यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल शारीरिक परिश्रम करें तो उससे राज्य मिल जाएंगे, ये भी घातक है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ न करें, ये भी घातक है। सब कुछ करना होगा, ध्यान भी करना होगा, शारीरिक श्रम भी थोड़ा करना पड़ेगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल खाने से भी नहीं होगा, मात्रा से अधिक खाना भी हानिकारक है। और बहुत सोने वाले का भी ध्यान पूरा नहीं होगा और बहुत जगने वाले का भी नहीं होगा। इसलिए इसको याद रखिए, युक्त आहार विहार हो, युक्त कर्म चेष्टा हो, तो आपकी ध्यान साधना सिद्ध होगी। आप आसन की सिद्धि कीजिए, आसन की सिद्धि कर लीजिए तो समझ लीजिए आपने 30% काम कर लिया। आप आसन की सिद्धि होते ही आपका रक्त प्रवाह यदि रुकने लगता है, शरीर कड़ा होने लगता है, तो ये अच्छा शुभ संकेत है, उसको बढ़ाते जाइए। जो मैंने धारणा की प्रक्रिया की उसके द्वारा जैसे निद्रा में प्रवेश किया जाता है, आपका मन संकल्प विकल्पों से रहित होकर के समाधि की गहन अवस्था में प्रवेश करेगा, वही दीदार का मार्ग है। इसको प्रयास करते रहेंगे आपका मन निर्विकार होता जाएगा दिन पर दिन, और अनायास से ही चितवनी की अंतिम उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। मैंने सबसे सरल मार्ग बताया है, आप तो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, देश विदेश तक पहुंचे हुए सुंदर साथ को जो भी हो, यदि वो इस मार्ग का आधार लेता है तो सरलता से उसकी चितवनी लग जाएगी, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगी। और मैं आशा करूंगा कि आप सब सुंदर साथ इस मार्ग का अवलंबन लेंगे, अन्यथा चितवनी करते करते 20-25 साल बीत जाते हैं, सुंदर साथ को परिणाम नहीं मालूम होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो कहते हैं कि चितवनी गलत है। चितवनी गलत नहीं है, आपके करने का तरीका ही गलत होता है। इसलिए तीन सबसे पहले जो सूत्र बताया है मैंने, आसनस्थ आसन में स्थिर होना, दूसरा लक्ष्यस्थ लक्ष्य युगल स्वरूप के शोभा में जो धारणा आपने की है उसमें स्थित हो जाना, और तीसरा है आत्मस्थ परात्म के श्रृंगार में अपने को भावित कीजिए और परात्म के श्रृंगार में को आधार बनाकर राज्य की शोभा में इतना डूब जाइए कि सोने जैसे शयन करने जैसे निद्रा जैसी अवस्था हो जाए, तो बहुत ही सरलता से समाधि की प्राप्ति हो सकती है। जो बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी बड़ी साधनाओं से प्राप्ति नहीं होती, आपको इस मार्ग द्वारा सरलता से प्राप्ति हो जाएगी।